सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो दोस्तों ये मेरे पास एक रॉयल इनफील्ड बाइक आई है, इसकी जो है बैटरी जो है वो चार्जिंग नहीं हो रही। हाँ, ये बाइक जो है आई थी मेरे पास, पहले तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, हमने इसकी बैटरी को चार्जिंग कर दिया है। अब इसका चार्जिंग सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे प्रोसेस आपको करनी है, कैसे इसको टेस्टिंग करना होता है यदि आपके पास रॉयल इनफील्ड आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, लाइट आ गई, तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे पास ये मल्टीमीटर है, इसको आपको वोल्टेज पे सेट करना है, 20 वोल्टेज पे। ठीक है, 20 वोल्टेज पे सेट करने के बाद हमें जो है इसकी जो दोनों प्रोब हैं, एक नेगेटिव पे लगानी है, एक पॉजिटिव पे। और यहाँ पे वोल्टेज देखिए आप, जो वोल्टेज है यहाँ पर 1240 है। यदि हम इसका एक्सीलेटर देते हैं तो ये वोल्टेज बढ़ना चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसका जो चार्जर है वो काम नहीं कर रहा। अब इसको टेस्टिंग क्या कैसे करना है, प्रॉब्लम कहाँ से आई है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे बाइक स्टार्ट है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हम जाते हैं इसकी दूसरी साइड में। तो यहाँ पर एक सॉकेट देखिए आप, ये सॉकेट लगी है यहाँ पर, इसमें तीन पीले वायर हैं, ये तीन पीले वायर हैं, इन पे आपको करंट चेक करना है आ रहा है नहीं। तो आपको एक ट्यूब लेनी है इस तरह से, और एक तार को जो है बॉडी अर्थिंग करना है, और तीनों तार पे टेस्टिंग करना है। देखिए पहली तार पे लगाया, ट्यूब बल रही है, ठीक है, फिर दूसरे पे लगाते हैं, दूसरी पे भी हेडलाइट की ट्यूब जो है जल रही है, फिर जैसी तीसरी वायर है उस पर चेक कर लेते हैं। तो यानी कि जो पीली तार है तीनों पे, उन पे ये ट्यूब जलनी चाहिए। यदि आपके पास ये ट्यूब नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, आपको एक तार वहाँ पे लगानी है और एक तार बॉडी पे टच करनी है। ठीक है, वहाँ पे लगाएं और एक तार बॉडी पे टच करें इस तरह से, तो देख सकते हैं यहाँ से चिंगारियाँ उड़ रही है। तो तीनों तार में आप इस तरह से जो है पीली तार में करंट चेक करना है, यदि वो तीनों तार में करंट आ रहा है तो समझ लेना आपकी जो यहाँ पर इस बाइक के अंदर जो लाइट कॉइल लगी है वो प्रॉपर तरीके से ठीक है। ठीक है, ये आपको स्टार्ट बाइक के अंदर ही काम करना है, क्योंकि आप इसको बैटरी से स्टार्ट कर लेना है आपको उस बाइक को, और जो बैटरी है वो आपकी चार्ज होनी चाहिए ये चीज़ टेस्ट करने से पहले। तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया कि इसकी जो है लाइट कॉइल बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कुछ भाई जो हैं शायद ये समझ लें कि इस बाइक का जो फ्यूज वगैरह है वो उड़ जाता है तब चार्जिंग प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यदि इस बाइक का, इसमें दो फ्यूज लगे होते हैं यहाँ पर, यदि इस बाइक का कोई सा फ्यूज उड़ जाता है, देखिए इसके दोनों लगे हैं, यदि कोई सा भी फ्यूज उड़ जाएगा इस बाइक का, तो ये जो बाइक है 15 एम्पेयर और 10 एम्पेयर फ्यूज ख़राब होने से स्टार्ट ही नहीं होगी। ये बात आप याद रखिएगा, ये स्टार्ट ही नहीं होगी, ये जो फ्यूज हैं दोनों ये स्टार्टिंग का काम करते हैं, इसमें से कोई सा फ्यूज उड़ जाएगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शोर बहुत है मेरी शॉप पर, शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से जो फ्यूज का है कोई लिंक नहीं होता बैटरी चार्जिंग के साथ, ये बात आप याद रखिएगा, ये इसकी स्टार्टिंग में बंद कर देते हैं यदि ये फ्यूज उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। तो अब प्रोसेस स्टार्ट होती है, यहाँ पे देखिए जो ये सॉकेट है वो जाता है सीधा रेक्टिफायर में, यहाँ से जाता है ये, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा लाइट ऑन कर लूँ। तो यहाँ से ये सॉकेट जा रहा है, ठीक है, ये सॉकेट जा रहा है और ये रेक्टिफायर में जाता है, मैं सीधा आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखिए ये वहाँ पे रेक्टिफायर पे लगा है, तीनों तार रेक्टिफायर में जा रहे हैं पीले रंग के, ठीक है, और वहाँ से दो वायर और निकलते हैं जो हैं यहाँ पर ब्लैक और रेड। ठीक है, ये दो तार आप देख रहे हैं ब्लैक और रेड, ये रेक्टिफायर से निकल रहे हैं, यही जो हैं 12 वोल्टेज जो हैं यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, अब हमें टेस्ट कैसे करना है, ये सॉकेट देखिए, ये जो सॉकेट है इसको आपको यहाँ से निकाल देना है, ठीक है, और बाइक का स्विच को जो है वो ऑन कर देना है। और अब जो जो वायर ये पीछे से आए हैं, ये चार्जर की तरफ से आ रहे हैं, और ये वायर जो है पीछे वायरिंग की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वायरिंग की तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको 12 वोल्टेज चेक करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर आना चाहिए। तो हमने मल्टीमीटर को यहाँ पर 12 वोल्टेज पर सेट कर दिया है, और इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज आना बहुत ज़रूरी है, ये चार्जर में जाता है सीधा 12 वोल्टेज यहाँ पर,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है इसके चार्जर का नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पर 12 वोल्टेज आ जाता है और इन तीनों वायर में वोल्टेज आपको मिल जाता है, तो तब तो ये समझ लीजिएगा इस बाइक का शायद चार्जर ख़राब है। यदि यहाँ पे 12 वोल्टेज आ जाता है और बैटरी चार्जिंग ना हो, फिर तो है इसका चार्जर ख़राब, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे 12 वोल्टेज ना आए तो ये वायरिंग प्रॉब्लम होता है। तो वायरिंग प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, इसका वायरिंग प्रॉब्लम कहाँ से आता है इस बाइक के अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक की दूसरी साइड में दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप इसकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक वायर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला रेड में वाइट, ठीक है। ये रेड में जो वाइट वायर है वो यहाँ से सीधा जाता है, जो हमारा सॉकेट नीचे था जो मैंने आपको दिखाया अभी मल्टीमीटर से टेस्टिंग पे, वहाँ पे जाता है। तो हम यहाँ पर इसको कटिंग करते हैं, यहाँ पर कटिंग करके देखते हैं। यहाँ पर वैसे तो पहले ही टेपिंग हुआ है, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये वायर यहाँ से कट हुआ है या प्रॉब्लम कहीं और से आया है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस रॉयल इनफील्ड की जो वायरिंग है वो लगभग बहुत ज़्यादा कटी हुई है। तो यहाँ पर ये है वो तार, और यहाँ पे इसका कलर देखिए आप, रेड में वाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस पर पूरी तरह से बुरा हाल हो चुका है वायरिंग का। तो यहाँ से वायरिंग सीधी वहीं पे जाती है बैटरी के पास, तो ये है देखिए रेड में वाइट, ठीक है, ये टुकड़ा है यहाँ पर। अब इसको जो है हमें जो है इसके साथ जोड़ देना है, तो इसके साथ जोड़ते हैं यहाँ पर और फिर बाइक को चेक करते हैं वोल्टेज बढ़ता है नहीं एक्सेलेटर देने पे, ठीक है। हमने जोड़ दिया है, अब आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम बाइक को स्टार्ट करेंगे, ये हमारा मल्टीमीटर है और अब बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाले, जहाँ पर हमने बाइक ये टेस्ट किया था, अब जैसे हमने वो तार को जोड़ दिया है तो यहाँ पर 12 वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि आपने दिखाया ही नहीं यहाँ पे 12 वोल्टेज आता है नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करा देते हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर 11.65 वोल्टेज आ चुका है। यहाँ पर वोल्टेज आना ज़रूरी है जो सॉकेट चार्जर में लगी हुई है, इसमें 12 वोल्टेज आना चाहिए। अभी यहाँ पर वोल्टेज आ चुका है, इस सॉकेट को हम लगा देते हैं। आप देखते हैं जो हमारी बाइक की बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम है क्या वो ठीक हुई या नहीं। यदि ठीक होती है तो आपको ये वीडियो YouTube पर मिलेगा। तो यहाँ पर पहले बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर दे भाई, बाइक को हमने स्टार्ट कर दिया। अब वोल्टेज चेक करते हैं, मल्टीमीटर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं और चेक करते हैं। तो वोल्टेज आप देख सकते हैं 1265 रेस देते हैं तो बढ़ जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको रेस देने पर। आप देख सकते हैं ये रेस देने पर जो है 14 लग पहुंच जाता है, ठीक है, ये मैक्सिमम जो है 14 वोल्टेज तक जाएगा। तो इस तरह से 14.5 लग जा चुका है। तो जो बाइक का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम मैंने आपको ठीक करके दिखा दिया है। यदि आपके पास भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से जो है इस बाइक का जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं।